हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का आपको पता है क्या रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट को देख के कई लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि रिजल्ट इतना ज़्यादा निगेटिव क्यों है, क्या है। रिजल्ट उतना भी खराब नहीं जितना आपको दिख रहा है, क्यों नहीं है उस चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज का इसका परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। आज की अगर बात करें तो आज एक क्लोज हुआ है 8.35 पैसा पे, जबकि कल भी क्लोज हुआ था 8.35 पैसा पे। ओपन वहीं हुआ था और हाई लगाता है सिर्फ 20 पैसा ऊपर, यानी 8.50 रुपया, और लो भी इससे सिर्फ 15 पैसा नीचे आता है। यानी जहां पूरे मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी था, ये शेयर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही था, बहुत ज़्यादा ना ऊपर जा रहा था ना बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा था। अगर आज की डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आज डिलीवरी आप देख सकते हो 27.78% का हुआ है, और जो डिलीवरी क्वान्टिटी है वो करीब 4,93,35,587 का है। वहीं ट्रेडेबल क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा आज खास नहीं है, वो है 17,75,70,411 का। तो इसमें आपको पता है कि ट्रेडेबल क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आज उतना भी खास नहीं है, लेकिन ठीक है क्योंकि रिजल्ट से पहले लोग थोड़ा इसमें प्रिकॉशन रखते हैं। और अगर आप देख सकते हो आज बाई ऑर्डर में भी 4,95,533 शेयर इसमें बाई क्वांटिटी में लगे हुए हैं 8.25 रुपये के। तो चलिए चलते हैं इसके रिजल्ट को देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या आया है। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट आ चुके हैं, इन्होंने आज ही के दिन अपने रिजल्ट को पोस्ट किया है, और जो रिजल्ट है मार्केट क्लोज होने के जस्ट बाद इन्होंने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया था। ये रिजल्ट करीब करीब 4:30 से 5 के बीच में आया था। चलिए देखते हैं रिजल्ट में क्या आया है। तो देखिए, हम वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट आ चुके हैं, और इनकम की अगर बात करें तो इनकम में आप देख सकते हो जो इस बार का इनकम आया है वो आया है 10,714 करोड़। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि सारे डाटा मिलियन में, तो मैं सभी डाटा को करोड़ में चेंज करके बता रहा हूँ। तो ये है करीब 10,714 करोड़ का। वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उस समय आया था 11,920 करोड़ का, और लास्ट ईयर की बात करें तो उस समय आया था 11,549 करोड़ की। अगर परसेंटेज वाइज की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हो करीब 10% की गिरावट है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर भी करीब 7% की गिरावट हमें देखने को मिलता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% की गिरावट है। वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें यानी खर्चा की, तो आप एक्सपेंसेस देख सकते हो कि पिछले कुछ क्वार्टर और ईयर से इनमें गिरावट आई है, और आप देख सकते हो कि इस बार का जो एक्सपेंसेस इनका है वो करीब 16,340 करोड़, और लास्ट क्वार्टर का था 17,589 करोड़ का। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात करें तो उस समय था 17,474 करोड़। परसेंटेज वाइज की बात करें तो परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हो करीब 6% की गिरावट हमें देखने को मिलता है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 7% की गिरावट देखने को मिलता है। तो एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा कम हो वो उतना ही अच्छा होता है। तो एक्सपेंसेस में इन्होंने काफ़ी कटौती की है, तो हमें काफ़ी अच्छा से संकेत मिलता है। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, आप देख सकते हो दोनों ही निगेटिव है। वोडाफोन आइडिया रिजल्ट में निगेटिव न दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो करीब 25,460 करोड़ का लॉस दिखाया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25,460 करोड़ का ही लॉस दिखाया है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उस समय आया था 11,442 करोड़, लास्ट ईयर की बात करें तो उस समय था करीब 6,673 करोड़ का। और परसेंटेज वाइज में आप देखो तो एक 281% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला है। इतना ज़्यादा गिरावट किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छा क्यों है उस चीज़ को अभी हम 2 मिनट बाद डिस्कशन करेंगे। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिलता है, इसमें करीब करीब 422% का गिरावट है। और यहाँ पे अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो करीब करीब 120% का गिरावट हमें देखने को मिलता है। इसमें एक चीज़ अब गौर से देखो, एक चीज़ मेंशन किया है एक्सेप्शनल आइटम। इसमें एक्सेप्शनल आइटम में इनका करीब 19,923 करोड़ का एक क्या है, इस चीज़ को हम चलिए हम देख लेते हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम कहाँ पे इतना ज़्यादा लॉस हुआ है उस चीज़ को हम चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, एक्सेप्शनल आइटम का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में आप देखो सबसे ज़्यादा जो आया है वो लाइसेंस फी और एजीआर ड्यूज़ का जो है उसमें करीब 19,440 करोड़ का आया है। और भी चीज़ें जैसे प्रोविज़न ये सब किया गया है, सब चीज़ों को मर्जर है सबसे रिलेटेड सभी चीज़ें का, यानी आपको जो जो आप पता है पहले से मर्जर होने वाला था प्लस में एजीआर का है प्लस लाइसेंस फी है, तो मोस्टली जो पैसा इन्हें लॉस हुआ है वो एजीआर का पेमेंट करने में हुआ है। तो अगर हम टोटल लॉस की बात करें इनका कि टोटल लॉस कितना हुआ है, एग्जेक्टिव टोटल लॉस इसको अगर माइनस कर दें तो आप देख सकते हो जो इनका टोटल लॉस हमें देखने को मिला था वो मिला था करीब 254,600। इसमें से अगर इसको माइनस कर दें 199,232 को, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो करीब
5537 करोड़ निकल के हमें आता है। तो यानी एग्जैक्टली इन्हें अगर लॉस की बात करें तो 5527 करोड़ का ही लॉस हुआ है, 1 करोड़ में सारे फिगर हैं। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप क्योंकि अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें और 5527 करोड़ से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि इनका जो लॉसेस था वो धीरे धीरे करके घटा है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी ने इसके बारे में क्या कहा है। देखिए कुछ हेडिंग्स हैं जो आपको मिल जाएंगे न्यूज़पेपर पे, जिसको आप देख के घबराना नहीं कि 25,000 करोड़ का कैसे लॉस हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ कैसे लॉस हुआ है। कंपनी के स्टेटमेंट में चलते हैं। तो देखिए कंपनी ने क्या कहा है कि जो क्वार्टर वन है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्यों था चैलेंजिंग? क्योंकि जो रिचार्ज के जो शॉप्स सब थे वो बंद थे, जो कि हमें लग रहा था कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें इन्होंने बताया कि इनके रिचार्ज ही कम हुए हैं, यानी दुकानें बंद थी और जो ऑनलाइन स्टोर सब जो था वहाँ से रिचार्ज हुआ, जिसके कारण इकोनॉमिक तो स्लो डाउन हुआ ही है। और ख़ासकर ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, ये बताएं MD CEO वोडाफोन आइडिया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बात करते हैं ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक यूजर पर ये कितना कमाते हैं। तो पहले अगर बात करें तो पहले कमाते थे करीब 121 रुपीज, जो कि घट के हो चुकी है 114 रुपया। तो ARPU आपको पता है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, तो इनका ARPU घट चुका है। और परसेंटेज वाइज देखें तो करीब करीब 5.78% के आसपास में एक गिरावट देखने को मिला है। तो ARPU आपको पता है कि ARPU इनको बढ़ाना चाहिए था, जहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यही एक चीज़ है जो कि अच्छी चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। बाकी रिजल्ट ये डिसेंट रिजल्ट हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट ये नहीं है। चलिए हम इसके ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं कि कल हमें कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में देखने को मिलता है। क्योंकि क्योंकि रिजल्ट के हेडलाइन क्या है कि 25 करोड़ का लॉस हुआ है, 25,000 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इस हेडलाइन को यूज करके हो सकता है ऑपरेटर आपके साथ गेम खेले। तो आपको क्या करना चाहिए चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के ऑप्शन चेन के डाटा पा चुके हैं और हम बात करें 27 अगस्त के, यानी इस मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। इस मंथ की अगर एक्सपायरी की बात करें तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो वाई हमें नज़र आता है वो वाई हमें नज़र आता है 7 के लेवल पे, यानी 7 के लेवल आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है। और दूसरी बात आप यहाँ देख सकते हो कि आज के दिन में करीब करीब 65,80,000 यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। तो सबसे बड़ा वाई तो एक है ही करीब 3,33,00,000 का, और आज के दिन में यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिलता है, जिससे हमें लगता है कि इस लेवल नहीं टूटने वाला है। और उससे बड़ा वाई की अगर बात करें तो उससे बड़ा वाई हमें 8 पे नज़र आता है, यानी 8 और 7 हमें बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र इसमें आता है। जो लोग बोल रहे हैं कैसे 1 पाएगा और 2 पाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं, आप देख सकते हो सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा बना हुआ है। वहीं अगर कॉल साइड की बात करें यानी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है 9 के लेवल पर आता है। 9 के लेवल तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये 9 का लेवल तभी टूटेगा जब इनके फेवर में AGR अच्छे से आ जाता है। और आज के दिन में आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग देखने को हमें मिला है, पूरे कॉल साइड में ही कॉल राइटिंग मिला है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज आपको 7 से 9 का बीच का ही रेंज नज़र आता है। तो अगर आपको जैसे ही शेयर नीचे जाता हुआ दिखता है, जैसे 7 या 8 के आसपास में भी आता है, तो आपको इसको बाई करना चाहिए और 9 के आसपास में सेल करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगा, शेयर 1 पे या 2 पे चला जाएगा। देखिए पुट राइटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 7 के लेवल को तो तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सेकेंड वाई आपके 8 का है, तो ये शेयर अभी 8.30 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 8 पे इसको सपोर्ट मिलेगा, 7 पे सपोर्ट मिलेगा, ये नीचे जा ही नहीं सकता। तो अगर मैं सपोर्ट यहाँ आपको लिख दूँ तो सपोर्ट आपको बना हुआ है, पहला सपोर्ट 8 का है, दूसरा सपोर्ट आपको 7 रुपये का है। इस चीज़ को हम अभी इसके टेक्निकल चार्ट से कन्फर्म कर लेते हैं। चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पे आ चुके हैं, और टेक्निकल चार्ट में आप देखो तो जो इसका MACD लाइन बहुत दिन से जो सेल का सिग्नल दिया हुआ था, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बाय के सिग्नल में कन्वर्ट होने वाला है। अभी बाय सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बाय के सिग्नल में कन्वर्ट होने वाला है, यानी शेयर में आपको ऊपर जाता हुआ शेयर दिख सकता है। अगर इसके RSI की बात करें तो RSI देखो न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स भी इसका न्यूट्रल है। आप ये जो पिंक वाली लाइन है वो 200 EMA है, तो 200 EMA के शेयर ऊपर है, इसका मतलब है कि शेयर में अभी गिरावट की उम्मीद बहुत कम है, यानी उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है, ना तो उससे नीचे गिरा है ना उसका ऊपर है। जो लाइन है 200 EMA का उसी के आसपास में शेयर आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो सपोर्ट 8 रुपये जो सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट है, और 7 का हम ऑप्शन चेन का डाटा से देख सकते हैं कि 7 और 8 हमें बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देख सकते हैं, 9 का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर मैं बॉक्स में बंद कर दूँ तो ए बॉक्स यानी 9 और इधर 8, इस
इससे अगर ऐसे बाहर निकलता है तभी अपसाइड मूवमेंट दिखेगा, और इसको तोड़ता है यानी 7 को भी तोड़ता है तब आपको नीचे इसमें शेयर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास शेयर है तो आप घबराइए नहीं, आप शेयर नीचे मिलता है तो शेयर को आप नीचे लीजिए, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए कि किस लेवल तक आप इसमें अपने लॉस को सहिएगा और उसके अनुसार अपना स्टॉप लॉस डाल दीजिए। और बाकी उसके बाद तो मंडे को आपको पता ही है, इसमें इसका हियरिंग है तो मंडे को इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक और ज़रूरी चीज़ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि FII का डाटा क्या है कि आज कितना का सेल हुआ, बाई हुआ, सब चीज़ को हम अपडेट करते हैं, कौन सा जो शेयर है FNO में बैन है या बैन नहीं है, सब चीज़ को हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब बीट हम यहाँ पे डालते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल आपके लिए हम यहाँ पे डालते रहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ज्वाइन करना। और इसी साथ में आपको मिलता है डिस्कशन ग्रुप, आप देख सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में अभी भी कई लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।